गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गांधी और अंबेडकर के जो विचार हैं उनकी तुलना, उनका तुलनात्मक विवेचन। देखिए, हम जानते हैं कि दोनों ही सामाजिक न्याय के उत्कट सेनानी थे। दोनों ने ही हमारे हिंदुत्व, हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत आई कुरीतियों का विरोध किया। दोनों ही दलित वर्गों के उत्थान के लिए, उनको सम्मानजनक दिशा देने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए अनेक अभियान चलाकर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तो इस आधार पर कहेंगे गांधी और अंबेडकर एक ही थे। दोनों ने ही सामाजिक अन्याय जो अस्पृश्य लोगों के साथ हो रहा था उसका घोर विरोध किया। वर्तमान जो जातिवादी व्यवस्था थी उसका विरोध किया और हिंदू धर्म में आई बुराइयों का विरोध किया। ठीक है, तो हम समझेंगे कोई विवाद था ही नहीं, किंतु राजनीतिक और सामाजिक समीक्षकों ने उनके मध्य विवादों को देखा, उनके बीच में मतभेदों को देखा। इसको मैं ये कहूंगी, जैसा मैं पहले पिछले लेक्चर में भी कह चुकी हूं, कि ये विवाद यदा कथा जो मतभेद हमें नजर आए हकीकत में बहुत बारीक सी चीजों के लिए थे, और वो मतभेद और विवाद तुरंत आपसी समझ से सुलझ भी गए, क्योंकि दोनों के भाव एक ही थे, दोनों की मंजिल एक ही थी। फिर मैं यही कहूंगी, आपके सामने गांधी और अंबेडकर की तस्वीर है, बीच में हरिजन। ये जो हरिजन वर्ड है, हम जानते ही हैं कि गांधी जी ने ईश्वर के परम प्रिय भक्तों को दिया, और वो परम प्रिय भक्त कौन थे? अस्पृश्य, अस्पृश्य समाज। और भारतीय जो समाज है, चाहे स्वर्ण समाज हो चाहे अस्पृश्य समाज हो, उनमें जागृति लाने के लिए, उनको वर्तमान स्थितियों से परिचित कराने के लिए, या वर्तमान कुरीतियां जो पाखंड धर्म में आ गए हैं उनको दूर करने के लिए एक अखबार का संचालन भी किया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? हरिजन। इसी की पिक्चर आपके सामने है। 1933 में इस अखबार का प्रकाशन उन्होंने शुरू किया, और ये जो प्रकाशन आप साप्ताहिक पत्रिका थी इंग्लिश में, और इस पत्रिका में गांधी जी अपने लेखों के माध्यम से समाज को जागृत करना चाहते थे, और उन समाज के लिए, उस समाज, उन समुदायों के लिए जिनको हम बहिष्कृत समझते थे, अछूत समझते थे, उनके लिए, जागृति के लिए, और उस स्वर्ण समाज के लिए भी जिनको वो चाहते थे कि वो अपने प्रायश्चित करें। हिंदू समाज के माथे पर कलंक है, ये अस्पृश्यता, उस कलंक को धोए, तो स्वर्ण समाज को भी जागृत करना चाहते थे। कहने की बात ये कि इस पत्रिका में वो ऐसे लेख लिखते थे जिसमें समाज में भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो जाए, यही उनका मूल मकसद था। आगे हम देखते हैं गांधी और अंबेडकर, जैसा मैंने कहा कि एक ही थे, एक ही विचार थे, लेकिन उनके विचारों को जब हम देखें तो कुछ अंतर नजर आएगा। वो अंतर अगर हमें नजर आता है तो मूल जो विचारों में अंतर नहीं है गांधी और अंबेडकर के, उनको प्राप्त करने के साधनों में या टेक्निक में थोड़ा अंतर हो सकता है, वो हम देखते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं गांधी जी धर्म की क्या परिभाषा दे रहे हैं। मेरे मत में धर्म का अर्थ है नैतिकता। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता के परे कोई उपदेश देता हो। धर्म तो वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में गठित करने की प्रकाष्ठा है। देखिए, यहाँ गांधी जी ने धर्म को स्पष्ट किया, और इस धर्म को स्पष्ट करके वो क्या कहना चाहते हैं कि समाज में अगर अस्पृश्य या एक वर्ग विशेष के साथ हम अन्याय, अनाचार, शोषण कर रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार अनैतिक है, तो यह धर्म के अनुसार नहीं, ये धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि धर्म सदैव नैतिकता का उपदेश देता है, प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। ठीक है, अब देखिए अंबेडकर क्या कह रहे हैं। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। देखिए, गांधी जी और जो अंबेडकर हैं, दोनों के विचार जो धर्म के स्वरूप की बात करें तो एक ही है। अंबेडकर भी यही कह रहे हैं कि धर्म वही है जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की सीख देता है। गांधी जी के नैतिकता को धर्म से जोड़ने के पीछे यही भाव है, तो दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है धर्म की मूल परिभाषा में। किंतु अंतर आता है तो यहां आता है। क्या कह रहे हैं अंबेडकर? ब्राह्मणवाद ही वह जहर है जिसने हिंदुत्व को नष्ट किया है, और ब्राह्मणवाद को नष्ट करके ही हिंदुत्व की रक्षा की जा सकती है।
यहाँ हम कहेंगे कि गांधी जी और अम्बेडकर के विचारों में मूलभूत अंतर है यही है, क्योंकि अम्बेडकर धर्म को नैतिकता का विषय समझते हैं और आस्था का विषय भी समझते हैं, और हिंदुत्व को समानता और स्वतंत्रतावादी धर्म ही मानते हैं। वो समझते हैं कि मानवता से औतप्रोत है हमारा हिंदू धर्म, लेकिन समय के साथ आई विकृतियों ने उसको नष्ट कर रहा है, और यही विकृतियां हैं जिसके कारण हम परतंत्र हुए हैं, हम पर परदेशियों का शासन चल रहा है। वो हिंदू धर्म को नहीं, हिंदुत्व को नहीं, वो उन कुरीतियों पर प्रहार करना चाहते थे, उनको प्रहार करके हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, वह कह रहे कि नहीं, हिंदुत्व का जो विचार है वो ब्राह्मणवाद की देन है, वो ब्राह्मणों की देन है, और इस विचार में ऊंच और नीच के भाव स्वयं ब्राह्मण वर्ग ने उसमें साजिश के तहत डाले हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि स्वार्थ सिद्धि के लिए इस धर्म की व्याख्या की है और इस धर्म को बनाया है, इसलिए वो ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद ही वह जहर है जिसने हिंदुत्व को नष्ट किया, और ब्राह्मणवाद को नष्ट करके हिंदुत्व की रक्षा की जा सकती। तो अम्बेडकर का यह दृष्टिकोण था कि वो बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं, वह व्यवस्था को ही उलट पुलट करना चाहते थे, ठीक है, और ये व्यवस्था मतलब हिंदुत्व की मान्यताओं में उनको विश्वास नहीं था। क्या कहते थे, मनुस्मृति और जैसे जो शास्त्र है, जो साहित्य है, संहिताएं हैं, उनके लिए क्या कहते थे अम्बेडकर कि सामाजिक अधिकारों के विषय में मनु की संहिता निकृष्टतम है, सामाजिक अन्याय का कोई भी अन्य उदाहरण मनु की संहिता की तुलना में फीका ही लगेगा। यानी अम्बेडकर का स्पष्ट कहना था कि हमारे हिंदुत्व और हमारे हिंदू शास्त्रों ने हिंदू धर्म के भेदभाव के स्वरूप की व्याख्या की है, और इसलिए हिंदू समाज इस पतन को पहुंचा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं फिर गांधी जी धर्म में क्या शामिल करना चाहते, गांधी जी किस धर्म की बात करते, गांधी जी ऐसे धर्म की बात करते थे जो विवेक को इजाजत देता है, जो विवेक, जो मतलब उसी को हम स्वीकार करें जो तर्क और विवेक का समर्थन करता। क्या कह रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी जो ये मानवता है, ये जो मानवता है और इस मानवता और मानवता की रक्षा करने वाले समानता और स्वतंत्रता के जो विचार हैं, वही हमारे दिमाग और हमारे दिमाग में पैदा होने वाली विचारधाराएं होनी चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ माइंड यानी कहने की बात है, दिमाग भी एक खेती की तरह जिसमें उपजते हैं, क्या उपजते हैं, विचार, और वो विचार मानवता को बढ़ाने वाले होने चाहिए, ठीक है। यानी धर्म को वो विवेक से जोड़ना चाहते हैं, किसी परंपराओं से नहीं, किसी रूढ़िवादिता से नहीं, या ये कहें कि हजारों साल पहले लिखे गए उन ग्रंथों के आधार पर धर्म को संचालित नहीं करना चाहते थे, वो उसी को परमिशन देते थे जो विवेक को विवेक और तर्क को सहमति प्रदान करे, ठीक है, इसी को धर्म समझते थे। क्या कह रहे वो, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने। यहां देखिए अंतर आ जाता है गांधी और अम्बेडकर के विचारों के, कैसे डेवलप हुए हुए विचार, उसमें अंतर आ जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए गांधी जी एक कुलीन वंशीय परिवार में पैदा हुए, जन्म हुआ उनका राजकोट के कुलीन वंशीय परिवार में जन्म हुआ, और अम्बेडकर को जिस तरह की मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा, जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और गांधी जी को नहीं करना पड़ा। तो प्रारंभिक जीवन और बचपन की हम बात करें, दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से अलग था, तो अम्बेडकर के विचारों में जो कट्टरता या ये कहें जो कठोरता आई, वो उनके प्रारंभिक जीवन की देन थी। पर गांधी जी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इस दर्द को नहीं समझा, क्योंकि इस दर्द को नहीं समझते तो स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज्य के बाद में प्रमुख स्थान वो अस्पृश्यता निवारण को नहीं देते। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को भी उतना ही महत्व दिया जितना कि स्वराज्य प्राप्ति को। वो अलग बात थी कि उनका जो मूल ध्येय ये था कि स्वराज्य प्राप्ति को प्रथम स्थान पर रखें, और उस स्वराज्य प्राप्ति करके हमारा जो समाज में जो
एम होगा, सबसे प्रमुख एम होगा इस अस्पृश्यता का निवारण। और वर्तमान में, मतलब कहने के बाद, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी उन्होंने हरिजन सेवक संघ और जनता को जिस तरह से आह्वान किया आंदोलनों के माध्यम से, और अस्पृश्य लोगों के बीच में जाकर के, जैसे मैंने कहा कि हरिजन पत्रिका का प्रकाश, ये सब वो कर रहे थे ताकि समाज में अस्पृश्यता का निवारण हो करे। तो गांधी जी ने इस दर्द को कैसे समझा? तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करने से पहले ही समझ गया था, क्योंकि भारतीय समाज में अछूतों के प्रति जिस तरह का व्यवहार होता था, असमानतावादी व्यवहार होता था, गांधी जी ने वही व्यवहार दक्षिण अफ्रीका में सहन किया और वही रंगभेद के खिलाफ एक सत्याग्रही बन करके उभर गए वो। और जब भारत आए तो उन्होंने उस तस्वीर को हमारी तस्वीर के साथ जोड़ करके देखा और गांधी जी ने भी उस दर्द को समझा। तो ये नहीं कह सकते कि गांधी जी अम्बेडकर के दर्द को नहीं समझ सकते थे, उसको समझ करके उन्होंने आंदोलनों में अस्पृश्यता निवारण को प्रमुख स्थान दिया। अब हम देखते हैं दोनों के मध्य अंतर क्या, मतलब कहां पर उनके बीच में असहमति के बिंदु थे, मूलभूत विचार एक होते हुए भी। देखिए, पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। अब हम कहेंगे कि जाति व्यवस्था के तो गांधी जी भी विरोधी थे। जाति व्यवस्था का जो संकीर्ण भेदभाव आधारित जो स्थैतिकता, उसकी रूढ़िवादिता, उसका जिस तरह से अम्बेडकर ने विरोध किया, वैसे गांधी जी ने भी विरोध किया। दोनों के बीच में पूर्णतः सहमति थी, जाति व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप के खिलाफ थे दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था की बात करें तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को क्या समझते थे? गांधी जी वर्ण व्यवस्था को हम कहेंगे कि स्वाभाविक नियम मानते थे, वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो समझते थे उच्चता और निम्नता के विचार वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं, उस समय के साथ आई विकृति है, शास्त्रों ने इसकी सम्मति नहीं दी। शास्त्र, हमारे शास्त्र वर्णों की समानता के सिद्धांत को ही स्वीकार करते हैं, लेकिन अम्बेडकर कहते थे नहीं। अम्बेडकर समझते थे कि आज की जो क्रूर जो जाति व्यवस्था का स्वरूप है वो वर्ण व्यवस्था की ही देन है। ब्राह्मणों द्वारा स्वार्थ सिद्धि के लिए इस वर्ण व्यवस्था के इस स्वरूप की व्याख्या की और ऊंच नीच का विचार, उच्चता और निम्नता के विचार इस व्याख्या में डाले, अनिवार्य रूप से इसमें निहित है। तो इसलिए जब तक इसके उन्मूलन नहीं किया जाएगा, इसका उन्मूलन नहीं किया जाएगा, एकता और न्याय के आदर्शों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के गांधी जी समर्थक थे किंतु अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। ठीक है, तो इस आधार पर कहेंगे कि अंबेडकर जो है वो जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के जो कर्तव्य बताए गए हैं उसके पूर्णतः विरोध में थे, और वो समझते थे कि शुद्र वर्णों के सदस्यों के प्रति घृणा और भेदभाव को इस वर्ण व्यवस्था में प्रशय दिया गया है, इसलिए मनुस्मृति का भी उन्होंने घोर विरोध किया। और हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन चाहते, जाति व्यवस्था का उन्मूलन ही नहीं, वर्ण व्यवस्था का भी वो उन्मूलन चाहते थे, उसके स्वरूप में भी पूर्णतः परिवर्तन करना चाहते थे और ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो समता व न्याय पर आधारित हो, समता और न्याय के आदर्शों पर आधारित हो। अब हम देखते हैं धर्म और धर्म परिवर्तन। अब हम के यहां पर भी हमें ऊपरी तौर पर विवाद हमें नजर आएगा, विरोध नजर आएगा, क्योंकि गांधी तो हिंदुत्व के समर्थक थे, हिंदुत्व के मूल स्वरूप में उनको विश्वास था। ठीक है, और वर्तमान में जो अस्पृश्यता जो है उसको वो कलंक मानते थे, वो अलग बात है कि अस्पृश्यता को कलंक मानते थे, इस कलंक को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे और हिंदुत्व को मानवतावादी और समानता प्रिय समझते थे। ठीक है, तो गांधी जी को हिंदुत्व में विश्वास था। अब जब हम बात करते हैं अंबेडकर की, तो अंबेडकर हिंदुत्व के स्वरूप में कतई विश्वास नहीं करते थे। वो समझते थे कि हिंदुत्व विवेकहीन आस्था का ही प्रतीक है, ऐसी आस्थाएं हैं जो विवेक का परिचय नहीं देती, विवेकहीन है और मानव कल्याण पर आधारित नहीं है हिंदुत्व का सिद्धांत, इसलिए अंबेडकर हिंदुत्व के विरोधी थे।
और हम कह सकते हैं मूलभूत रूप से यहाँ पर दो बातें आती हैं। गांधी जी हिंदुत्व को आस्था का प्रतीक मानते थे, लेकिन आस्था के साथ वो विवेक का भी प्रतिनिधित्व समझते थे हिंदुत्व को, और उन विवेकहीन परंपराओं को गांधी जी भी अस्वीकार करते थे, भले ही वो शास्त्रों द्वारा सम्मत हो, समय के साथ आई गई विकृतियां हो, लेकिन उनको अस्वीकार करते थे। लेकिन हम कह सकते हैं कि गांधी जी के लिए जो धर्म था, आस्था और विवेक दोनों का विशेष था। लेकिन जब हम बात करते हैं अंबेडकर की, अंबेडकर के लिए धर्म किसका विषय था? विवेक का, विवेक का। और वो उन्हीं धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहते थे जो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर नहीं करे, सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार दे सभी को, और ऐसा धर्म जो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हो। इसलिए जब बात दूसरी आती है धर्म परिवर्तन की, तो अंबेडकर कहते थे यदि आवश्यक हो जाए और कोई उपाय नहीं रहे, हिंदू समाज के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं आए, स्वर्णों के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आए, तो धर्म का परिवर्तन कर लेना चाहिए, दूसरा धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस धर्म के प्रति आकर्षण जताया? बौद्ध धर्म के प्रति। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म को समानता और स्वतंत्रता पर आधारित समझते थे, मानवता पर आधारित समझते थे। पर गांधी जी को अपने धर्म में, हिंदुत्व में इतना विश्वास था कि धर्म परिवर्तन के अंबेडकर के विचारों के वो कट्टर विरोधी थे, और उनकी मान्यता थी कि करोड़ों जो अस्पृश्य हिंदू लोग हैं उन पर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के आह्वान का कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं और लाभ होगा ही नहीं। और गांधी जी की यह बात बिल्कुल सत्य साबित हुई, क्योंकि अंबेडकर ने आजादी के बाद में 1955-56 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लेकिन उनके समाज ने उनके विचारों को इतना महत्व दिया कि देवता स्वरूप अंबेडकर को मान लिया, किंतु धर्म को परिवर्तित नहीं किया। धर्म परिवर्तन का उनका आह्वान, गांधी जी जो कहते थे, बिल्कुल ही असफल साबित हुआ। जनता ने, एक तरह से कहेंगे अस्पृश्य लोगों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये उनके धर्म और धर्म परिवर्तन संबंधी विचारों में के बीच में हमने तुलना देखी। अब हम देखते हैं राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व। अब जब दलित प्रतिनिधित्व की बात हम करें, तो गांधी जी और अंबेडकर के विचार बिल्कुल समान, दोनों ही राजनीति में दलितों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। तो विवाद कहाँ था? विवाद आया 1935 में, जब अंबेडकर ने चुनाव में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। यानी ये पृथक निर्वाचक मंडल क्या था? कि दलितों द्वारा दलितों को अलग से निर्वाचित करने के लिए, यानी उनको निर्वाचित करने के लिए दलितों को ही निर्वाचक बनाया जाए, ठीक है, उनके द्वारा ही वो चुनकर भेजे जाए। और जो गांधी जी थे वो अंबेडकर के इस विचार से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो समझते थे कि इस तरह से हिंदू समाज बढ़ जाएगा, हिंदू समाज का जो वर्तमान स्वरूप है, ऑलरेडी हम देखते हैं एक दूसरे के प्रति कितना भेदभाव धर्म उसमें जाति के आधार पर विद्यमान है, और इस आधार पर तो हिंदू समाज पूर्णतः ही बट जाएगा, उनको एक करने की संभावना ही खत्म हो जाएगी, जो गांधी जी का सपना था। तो इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। दोनों के बीच में विवाद हुआ। अंततः अंबेडकर ने गांधी जी की बात को समझा, और इस बात को भी समझा कि गांधी जी द्वारा जो आरक्षण का जो प्रणाली है, जो वर्तमान में संविधान में रखी गई है, हम सभी जानते हैं कि सीटें आरक्षित है, दलितों के लिए सीटें आरक्षित है, और जो निर्वाचन की प्रणाली है, हम सभी वोट देकर उनको निर्वाचित करके भेजते हैं। तो इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया, संविधान में भी उन्होंने इसी प्रस्ताव को रखा, और इस आधार पर कह सकते हैं कि हकीकत में कोई विवाद था ही नहीं। ठीक है, फिर है अस्पृश्यता संबंधी विचार। अब बात करते हैं अस्पृश्यता निवारण की, अस्पृश्यता की। तो यहाँ पर विवाद का कोई मीनिंग ही नहीं, दोनों ही इसको जघन्य बुराई समझते थे, दोनों के विचारों में मूलतः समानता थी। कानून के साथ साथ जनता में दृष्टिकोण बदलाव के लिए दोनों ने ही परिवर्तन किया।
अंबेडकर ने भी संगठित आंदोलन चलाए और महात्मा गांधी ने भी आंदोलन चलाए, कहीं कोई विवाद नहीं था। किंतु हम अगर इसको गहराई से देखें, अगर विवाद था तो दो बिंदुओं पर था। गांधी जी समझते थे कि ये जो अस्पृश्यता की बुराई है, ये हिंदुत्व की बुराई नहीं है, हिंदू शास्त्रों द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है, ठीक है, ये वक्त के साथ आई गई विकृतियां है, उसको वो दूर करना चाहते, यानी हिंदू धर्म को नहीं, हिंदू धर्म में आई इन विकृतियों को दूर करना चाहते थे और अस्पृश्यता के कलंक को धोना चाहते थे, हिंदुत्व को उस कलंक से मुक्त करना चाहते थे, हिंदुत्व को इस कलंक से शुद्ध करना चाहते, इस कलंक को मिटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। पर गांधी जी क्या समझते थे कि नहीं, अस्पृश्यता के बीच हिंदू धर्म में विद्यमान जो असमानता और भेदभाव का समर्थन करता है, अतः हिंदू शास्त्रों की मूल मान्यताओं का उन्होंने घोर विरोध किया और उनका उन्मूलन चाहते थे, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि अस्पृश्यता निवारण की प्राथमिकता के सवाल पर विवाद था। गांधी जी के दो महान लक्ष्य थे, स्वराज्य प्राप्ति और अस्पृश्यता निवारण, और गांधी जी स्वराज्य प्राप्ति को प्रथम स्थान पर रखते थे और अस्पृश्यता निवारण के लिए भी लगातार वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब प्रश्न आता है दोनों में से पहले किसको चयन किया जाए, तो गांधी जी स्वराज्य प्राप्त, क्योंकि इस महान आदर्श को प्राप्त करने के बाद में हम अपने हाथों में अपना शासन लेकर के कानून बना करके और सामाजिक जागृति पैदा करके बहुत अच्छे से इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, गांधी जी ऐसा समझते थे। पर अंबेडकर की मान्यता थी कि गांधी जी ने स्वराज्य को जो अस्पृश्यता है उसको ज्यादा महत्व दिया, और गांधी अंबेडकर तो यहां तक कहते थे कि जो अस्पृश्यता है उसका कलंक विदेशी दासता की तुलना में अधिक गंभीर है, इसलिए वरीयता अस्पृश्यता निवारण को देनी चाहिए। विदेशी दासता और अस्पृश्यता दोनों ही भारतीय माथे पर कलंक है, ऐसा गांधी जी की मान्यता थी, दोनों ही कलंक है, लेकिन पहले किस कलंक से मुक्त होने की जरूरत है, विदेशी दासता से। तो इस तरह से यहां अंतर था तो प्राथमिकता का था, ठीक है, दोनों को मूल विचारों में कोई अंतर नहीं था, दोनों ही इस कलंक से भारतीय समाज को मुक्त करना चाहते थे, ठीक है। अब हम देखते हैं अहिंसा संबंधी दृष्टिकोण, यहां पर कोई विवाद नहीं था, हम कह सकते हैं अहिंसा की नीति के अंबेडकर भी समर्थक थे, सत्याग्रह की नीति के अंबेडकर भी सही समर्थक थे, और अंबेडकर ने भी अनेक सत्याग्रही आंदोलनों का नेतृत्व किया, ठीक है, वो इस बात को समझते थे कि हिंसा और दमनकारी बल पर आधारित जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी नहीं होते और विश्वसनीय नहीं होते, वास्तविक परिवर्तन अहिंसा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं, ऐसा अंबेडकर की भी सोच थी और गांधी जी की भी सोच थी। लेकिन यहां पर भी हम जाएं, इसकी गहराई में जाएं, तो हमें एक अंतर नजर आता है, क्योंकि गांधी जी के लिए जो अहिंसा थी वो उनके जीवन का नियम थी, उनके जीवन का सर्वोच्च नियम थी, अहिंसा पर उनकी आध्यात्मिक आस्था थी, सिर्फ स्वराज्य प्राप्ति के लिए ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में इस नीति को अपनाना चाहते थे, अहिंसा को वो जीवन को संचालित करने का नियम बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं अंबेडकर की, तो अंबेडकर के विचार अहिंसा के प्रति उतनी आस्था नहीं लिए हुए थे जितने के गांधी जी के थे। अंबेडकर समझते थे कि अहिंसा एक विश्वसनीय नीति है, वर्तमान परिस्थितियों में उसका उपयोग सार्थक है, ये एक नैतिक नीति है, बस इतना ही, और इस नीति पर उनको भी विश्वास था। लेकिन जिस लेवल पर गांधी जी उसको समझते थे, अहिंसा को समझते थे, अंबेडकर वो स्थान नहीं देते थे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि है गांधी और अंबेडकर के विचारों की तुलना। हकीकत में हम देखें तो दोनों के विचारों में कहीं कोई अंतर नहीं लगेगा, ठीक है। आपके सामने ये पिक्चर है, गांधी जी और अंबेडकर दोनों ही जातिवादी इस स्वरूप के विरोधी थे कि एक जाति का कर्म ये, दूसरी जाति का कर्म ये, एक का सेवा करना दूसरी का सेवा कराना, इसको बदलना चाहते थे, दोनों का मूल मकसद एक ही था। यहां हमारे जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है
आपके सामने चार पिक्चर हैं, ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रिय रक्षा करना, वैश्य व्यापार अर्थ अर्जन करना, ठीक है, उत्पादन वितरण सब वैश्य वर्ग का कर्म, और नीचे देखिए शूद्र वर्ण। हालांकि जैसा कि गांधी जी ने कहा और वर्ण व्यवस्था के जो स्वरूप की हम बात करते हैं पुरातन साहित्य में देखें तो कहीं जन्म के आधार पर इसका वर्णन नहीं, और एक स्वाभाविक नियम, जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक क्षमता रुचि अनुसार जिस कर्म को अपनाए उसको अपनाने का अधिकार है, लेकिन समाज में वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाति के आधार या वर्ण के आधार में आधार पर किसी को सम्मान मिले और किसी को अपमान मिले ये नहीं होना चाहिए वर्ण व्यवस्था। लेकिन बाद में उसमें जन्म के आधार पर स्वरूप में परिवर्तन आया और वो कट्टरता आ गई, वो स्थिर हो गई, ये कर्म स्थिर हो गए, जन्म के आधार पर ये निश्चित हो गया कि इस व्यक्ति का ये कर्म होगा। जाति व्यवस्था ने इसके स्वरूप को इस रूप में बदल दिया, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी और अंबेडकर के विचारों की तुलना हमने देखी है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के जो कर्म के आधारित स्वरूप थे उसके समर्थक थे, लेकिन अंबेडकर ने कर्म के आधारित स्वरूप का भी विरोध किया कि वो समझते थे इसका स्वरूप में ही विभाजन है, इसके वो विरोधी, ठीक है। मूल्यांकन अगर हम करें दोनों के विचारों का, हम कहें कि सारांश में लास्ट में हम ये समझें कि हकीकत में गांधी और अंबेडकर के विचारों में क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अंत में कह सकते हैं कि मूलतः दोनों का साध्य एक ही था, और वह था भारतीय समाज में अन्याय उत्पीड़न दमन और शोषण का उन्मूलन करना, किंतु अंतर प्राथमिकता का। दोनों ही चाहते थे कि समाज में जो अन्याय उत्पीड़न दमन और शोषण हो रहा है वो समाप्त हो, उसका उन्मूलन हो, लेकिन अंतर था तो प्राथमिकता का। अंबेडकर राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक स्वतंत्रता चाहते थे, जैसा मैं पहले स्पष्ट कर चुकी हूं बार बार कि स्वराज्य से पहले वो समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। वो समझते थे समाज में परिवर्तन आ जाएगा, स्वराज्य प्राप्ति भले थोड़ा डिले हो जाए किंतु ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको प्राप्त करके ही हम सब लोग मिलकर के स्वतंत्रता को प्राप्त करने के यज्ञ में कूदे, लेकिन पहले जरूरी है सामाजिक परिवर्तन, समाज में ये जो भेदभाव है इसको समाप्त करना, समाज में उन अस्पृश्य लोगों को सम्मान दिलाना। और गांधी जी स्वराज्य प्राप्ति को प्रथम स्थान पर, गांधी जी समझते थे कि पहले किसको प्राप्त करना चाहिए, स्वराज्य, ठीक है। इसीलिए कुछ स्थानों पर मतभेद नजर आए, किंतु सच में हमने इतना कुछ देखा उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सच में दोनों में कोई विरोध था।